सुहे गाइस, तो क्या एलविश यादव और फुकरा इंसान के बीच में दोबारा से कंट्रोवर्सी हो गई है? दरअसल हुआ ये कि एलविश यादव ने बिग बॉस के नए सीजन के ऊपर एक प्रमोशनल रील अपलोड करी थी, जिसके अंदर उन्होंने फुकरा इंसान के भाई ट्रिगर इंसान को थोड़ा सा ट्रोल किया था। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो क्लिप देखिए। तो लगता है दूसरा कंटेस्टेंट होना चाहिए हमारे निश्चय भाई, क्योंकि मलान फैमिली से भाई एक इंसान हर साल बिग बॉस में जाना चाहिए रनर अप की पोजीशन के लिए। यार कोई तो हो, क्यों अभिषेक भाई? तो एलविश यादव की इस रील के ऊपर फुकरा इंसान ने एक कमेंट किया, अरे एलविश भाई निश्चय गवर्नमेंट से अवार्ड जीता था, आपको गवर्नमेंट से क्या मिला था। इसके आगे उन्होंने हंसने वाला इमोजी सेंड किया और चेन वाला इमोजी भी शेयर किया। यहाँ पर फुकरा इंसान एलविश यादव को उनकी जेल वाली कंट्रोवर्सी को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एलविश यादव ने भी रिप्लाई दिया, ब्रो आई डोंट नो आपका ह्यूमर और टॉलरेंस आपको देखने वाली जनता की एज की तरह है कम। तो यहाँ पर एलविश यादव फुकरा इंसान को कहना चाह रहे हैं कि आप एक सिंपल सी स्क्रिप्टेड वीडियो को नहीं झेल पाए, जो कि साफ पता चलता है कि वो एक प्रमोशन वीडियो है। बाकी इस सीन के ऊपर फुकरा इंसान के एडिटर जासूस ने भी एक ट्वीट किया, ऐसी बात नहीं है, एलविश को भी गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था फ्री अकोमोडेशन का। इसके बाद एलविश यादव और फुकरा इंसान के फैंस के बीच में भी फैन वॉर स्टार्ट हो गई है। बाकी क्या फुकरा इंसान को एलविश यादव की इस प्रमोशनल वीडियो से ऑफेंड होना चाहिए था, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।